Hello students, hope you all are good. Today we will start word problems of addition and subtraction of fractions. First of all, you will open your book, exercise 32 and question number 2. Reno took 2 3x4 hours to paint a table and 1x3 hours to paint a chair. How much time did she take in all? रेनो टेबल को पेंट करने में 2 3x4 आवर्स लगा रही है और चेयर को पेंट करने में 1 1x3 आवर्स लगा रही है. हाउ मच टाइम डिड शी टेक इन ऑल, तो उसे दोनों को पेंट करने में टोटल टाइम कितना लगा. तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल ऐड दीज फ्रैक्शंस. सो फर्स्ट वी विल मेक द स्टेटमेंट. Time taken to paint a table equal to 2 3x4 hours. Time taken to paint a chair 1 1x3 hours. Total time taken 2 3x4 hours plus 1 1x3 hours. You know how to do the solution. The answer is 49/12. It is improper fraction. So we will convert it into mixed numeral 4 1/12 hours. Answer will come in hours because we have to tell the time. Question number 4. Listen very carefully. Look at your book. A piece of length 3 4x5 meter is cut off from a rope 7 1x4 meter long. It means total length of rope is 7 1x4 meter and we have to cut 3 4x5 meters. What is the length of remaining piece? Remaining means bacha hua. Bacha hua kitna length bache, length kitna hoga. So टोटल में से अगर हम कट वाला माइनस कर देंगे देन वी विल गेट रिमेनिंग पीस. ओके, सो हेयर इज द स्टेटमेंट. टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 7 1x4 मीटर एंड लेंथ ऑफ रोप कट 3 4x5 मीटर. लेंथ ऑफ रोप लेफ्ट, या तो आप ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ रोप, 7 1x4 माइनस 3 4x5. यू नो हाउ टू डू द सॉल्यूशन. सो आंसर इज 69/20. इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वी विल कन्वर्ट इट इंटू मिक्स न्यूमिरल 39/20 मीटर. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. आंसर विल कम इन मीटर बिकॉज we have to tell the answer in length and the answer will come in meter. Next question, question number 6. Look at your book. A drum full of rice weighs 41/6 kg. If the empty drum weighs 13 3x4 kg, find the weight of rice in the drum. फुल ड्रम जो है वो 41/6 का है और एम्पटी ड्रम जो है वो 13 3x4 के जी का है. अगर हम ड्रम फुल ऑफ राइस में से एम्पटी ड्रम को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेट ऑफ राइस इन द ड्रम. सो लेट स्टार्ट द स्टेटमेंट. टोटल वेट ऑफ राइस विद ड्रम इक्वल टू 41/6 के जी and weight of empty drum equal to 13 3x4 kg. Weight of rice in the drum 41/6 minus 13 3x4. You know very well how to do the solution. The answer will come 317/12. It is also in improper fraction. So we will convert it into mixed numeral. The answer is 26 5x12 kg.
आंसर विल कम इन के जी बिकॉज वी हैव टू टेल वेट एंड वेट का आंसर हमेशा या तो ग्राम में आएगा या फिर किलोग्राम में आएगा और इस क्वेश्चन में क्या है के जी सो वी विल राइट आंसर इन के जी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 लुक एट योर बुक व्हाट मस्ट बी एडेड 7 1/6 टू गेट 9 1/9. 7 1/6 में हम क्या ऐड करें कि हमें 9 1/9 मिल जाए. अच्छा अगर हम बताओ मुझे 7 में क्या प्लस करें कि 9 आ जाए. यस 2. तो वो 2 कैसे आया 9 - 7. लार्ज फ्रैक्शन में लार्ज नंबर में से हमने स्मॉलर नंबर माइनस करके आंसर फाइंड आउट करा. इसी तरह से इस फ्रैक्शन में 9 1/9 में से 7 1/6 क्या कर देंगे माइनस. 9 9 = 81 +1 = 82 82/9. 7 1/6 6 7 = 42 +1 = 43/6. यू नो वेरी वेल हाउ टू डू द सॉल्यूशन. सो आंसर इज 35/18. इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स न्यूमेरल. 117/18 इज द आंसर. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 32. डू प्रैक्टिस एट होम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.